दोस्तों, मेरा ये मैसेज एक बार जरूर सुने। दुनिया के तमाम रिश्ते तेरे पैदा होने के बाद बनते हैं। इस जमीन पर एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो तेरे पैदा होने से 9 माह पहले बन जाता है। वो बस वही खाती है जिससे तुझे नुकसान ना हो। वो बड़े से बड़े दर्द में भी अजाब भुगत लेती है, मगर दर्द मारने की दवा नहीं खाती। मगर दर्द मारने की दवा नहीं खाती कि कहीं वो दवा तुझको ना मार दे। तू उसकी पसंद के खाने छुड़ा देता है, तू उस पर नींद भी हराम कर देता है। वो किसी एक तरफ होकर चैन से सो नहीं सकती, वो सोते में भी जागती रहती है। वो 9 महीने एक अजाब से गुजरती है। वो गिरती है तो पेट के बल नहीं गिरती, पहलू के बल गिरकर अपनी हड्डी तुड़वा लेती है, मगर तुझे बचा लेती है। उसने अभी तेरी शक्ल नहीं देखी और लोग तेरी शक्ल देखकर तुझसे प्यार करेंगे। वो तुझे जनती है तो एक कयामत से गुजर जाती है। उसे जब होश आता है तो सबसे पहला सवाल तेरी खैरियत का ही होता है। वो तुझसे गायबाना प्यार करती है और लोग तेरी तस्वीर मांगकर तुझे सिलेक्ट करते हैं। दुनिया का कोई रिश्ता इस खलूस की मिसाल पेश नहीं कर सकता। खुदा को इस पर इतना एतबार है कि उसको अपनी मोहब्बत का पैमाना बना लिया। खुदा के बाद वो वाहिद हस्ती है जो ऐब छुपा छुपा कर रखती है। तेरी हिमायत में वो उजर तराश कर तेरे बाप को मुतमाइन और तुझे हैरान कर देती है। बाप खाना बंद कर दे तो वो अपने हिस्से का खिला देती है। बाप घर से निकाल दे तो वो दरवाजा चोरी से खोल देती है। खुदा के सिवा कोई तेरा इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना मां रखती है। इसलिए खुदा ने भी तेरी जन्नत उठाकर तेरी मां के कदमों में रख दी। अल्लाह पाक सबकी माओं को लंबी जिंदगी दे, और जिनकी माएं फौत हो गई हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरुल हसन।